पहले तो मैं रैली में आए हुए सारे मेहमान का बहुत ही गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और सिर्फ इस रैली में नहीं बल्कि इस रैली की शुरुआत से, इसकी जब से मनसूबाबंदी हो रही है उस वक्त से हमारा साथ दे रहे हैं, खुशी हमारे अलग अलग बेंच में हमारे एडवोकेट उखला हजरात, हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे मसाइल का इमाय कराम जो काबिल एहतराम शख्सियतें हैं जो यहाँ पर मौजूद भी हैं, और अलावा उसके अलग अलग एन जी ओज और इस मुल्क की अलग अलग मजहबी तनजीमों ने, जिसमें हमारे मखसूस और ख़ास दोस्त आर पी आई के जनाब सुनील खांबे साहब और दीगर आस पास के बहुत से मेम्बरान और लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों का हमारी कुल जमात तंजीम की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, ये आज के रैली का मकसद हम सब जानते हैं, एक लंबे वक्त से यह मामला चल रहा है और मुल्क में सोशल मीडिया के लिहाज से हर खास आम इन हालात को अच्छी तरह जानता है कि इस मुल्क के संविधान के खिलाफ क्या मामला चल रहा है। एक बात हम जहन में रखें कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर का लाया हुआ कानून बहुत प्यारा है और हम सब की एकता और अखंडता के लिए काफ़ी है। हम बिल्कुल इस कानून में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, यहाँ तक जो होना है वो हो सकता है, लेकिन हम इस कानून के साथ छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। ये हमारा अज़्म है और ये हमारा आखिरी हौसला है। हम एक ही बात जानते हैं कि यह मुल्क पहले से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक बेहतरीन गुलदस्ता था, और आखिर तक जब तक दुनिया कायम ही ऐसा ही खूबसूरत गुलदस्ता रहे, इसमें मुल्क के अलग अलग कौम, अलग अलग मजहब के लोग, मिल्लत के लोग रहते हैं, आज तक हम एक साथ खाते पीते उठते बैठते रहे, लेकिन चंद लोगों की वजह से आपस में दरार पैदा करने की कोशिश की गई, नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन हम उससे शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन लोगों ने हमको दूर करने की कोशिश की, और आज